भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने रैली निकालकर फासीदावा इलाके में किया चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने आज सिलीगुड़ी महाकमा के फासीदावा इलाके में किया चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को साथ लेकर सबसे पहले उन्होंने काली मंदिर में पूजा की और इसके बाद फासीदावा इलाके में चुनाव प्रचार किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने कल बुधवार को ही अपना नामांकन दाखिल किया है और आज से जोरदार प्रचार अभियान में जुट गए हैं। उनके समर्थकों में फासीदावा में एक विशाल रैली निकाली गई। एक जीप में सवार होकर भाजपा उम्मीदवार ने लोगों से भाजपा को वोट देने का अनुरोध किया। आज उन्होंने फासीदावा के ज्योतिनगर स्थित काली मंदिर में पूजा की और हुदखोला कार से BDO कार्यालय में पहुंचे, फिर जला से रांगापानी तक के इलाके में प्रचार किया। इस दिन उन्होंने लीचूपाखरी स्थित पहाड़ी मंदिर में पूजा की। बाद में उन्होंने कहा, लोगों का उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है, इस क्षेत्र के लोग जागरूक हैं, लोग तृणमूल को वोट नहीं देंगे, वे प्रधानमंत्री को वोट देंगे। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को जल जीवन मिशन से पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देने के साथ ही सीमा पर गौ तस्करी को लेकर पुलिस को भी आगाह किया। के मित्रों का फासीदावा में स्वागत है। मुझे हमेशा इस क्षेत्र में आके बहुत आनंद आता है और जनता मोदी जी के साथ है, और क्योंकि चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता है, जब आप एक बार पुनः जनता के बीच जा करके उनसे हाथ जोड़ करके चुनाव के लिए अपना मतदान करने की जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं फासीदावा की जनता को हाथ जोड़ने और प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे इस प्रार्थना के साथ यहाँ आया हूँ। और हमको ये समझना है कि ये जो चुनाव है भारत में भारत सरकार बनाने का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है, और स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव में फर्क है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं, उस मजबूती में फासीदावा का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये तय है, 400 से ज़्यादा सीट BJP के आएंगे। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब दुखी जनता के लिए और हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। लोग भाषण बड़े बड़े देते हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, लेकिन मोदी जी ने चूल्हा सबको दिया, हर घर जल का पानी सबको दिया, 5 किलो चावल सबको दिया। 2-3 चीज़ें हैं फासीदावा आकर के तकलीफ होती है, या पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल योजना के अंतर्गत सिर्फ दार्जिलिंग जिला को 3500 करोड़ रुपया मिला, यानी 2500 करोड़ रुपया सिर्फ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को मिला, और उस 2500 करोड़ रुपये में से आज तक 1 रुपया फांसीदेवा के जनता को नहीं मिला। मैं जनता से सीधा आह्वान करता हूँ, आप मोदी जी को वोट दो, पानी देने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। और यहाँ का जो है जो PHE डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है बहुत ही बदतमीज है और बहुत ही भ्रष्ट हैं, और मैं उनको आगाह करता हूँ, जनता का पैसा है, जनता को पानी मिलना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। और मेरे को कोई ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। फिर मैं अभी भी उनसे निवेदन करता हूँ, समय रहते हुए जनता को पानी मिलना चाहिए। दूसरा, पुलिस, मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ आए दिन इतनी गोरू की चोरी क्यों होती है? फासीदावा बॉर्डर एरिया है, यहाँ आए दिन जो है गोरू चोरी की घटनाएं घटती है, जनता उससे त्रस्त है। सो हमको ये पूरा चोर वाला जिला घोषित करना है क्या? पुलिस क्या चाहती है? और बगैर पुलिस के मिले हुए ये काम संभव नहीं हो सकता। इसीलिए फासीदावा का जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, और हमारे यहाँ जो चोरी की घटना घटती इससे हमको शर्म होता है। और तीसरी बात, मुझे बताते हुए खुशी है, रंगापानी फ्लाईओवर को लेकर के हम परेशान रहते हैं, केंद्र सरकार ने 48 करोड़ रुपए उसके लिए अप्रूव कर दिया है, वो पास भी हो चुका है, टेंडर अभी जो है चुनाव में MCC लगा हुआ, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ की जनता के लिए अच्छा अस्पताल बनाना ये मेरा टारगेट है, यहाँ की जनता के लिए अच्छी सड़क देना ये मेरा टारगेट है, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ बॉर्डर एरिया फंड के माध्यम से विकास करना ये मेरा टारगेट है, और यहाँ पे युवाएं सही मार्ग में चले, वो नशा ड्रग का रास्ता ना अपनाएं,
मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आएंगे मोदी जी, और मैं वो माध्यम बनूंगा। मेरे आपसे भी निवेदन है युवाओं से कि आप लोग जो है सही मार्ग पे चले और अच्छी पढ़ाई शिक्षा करें। आपको भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो है हम तीसरी अर्थव्यवस्था की जो है तरफ तेजी से भाग रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इस क्षेत्र में भी जो है टीएमसी जाते ही कई फैक्ट्री आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने धैर्य रखना है और वो काम सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है, हम सब ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना है। ये टीएमसी सरकार बनाने का वोट नहीं है, केंद्र सरकार बनाने का वोट है, और मैं आपके माध्यम से तमाम टीएमसी के साथी कार्यकर्ता नेताओं से निवेदन करता हूँ, कृपया करके पब्लिक को धमकाने का काम ना करें, ये उचित नहीं है। आप अपने काम से, आपने जो अच्छा काम किया है आप वोट मांगो, नहीं किया है मत मांगो, लेकिन बीजेपी के कर्मियों से या बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं या बीजेपी को जो लोग पसंद है या बीजेपी के लिए जो बाजा भी बजाना चाहते हैं रैली में, आप उनको जो धमकाने का काम करते हो ये कहीं से भी उचित नहीं, न्याय संगत नहीं है, आपको भी ये शोभा नहीं देता। और मैं टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सभी सपोर्टर से निवेदन करता हूँ, आप सब ने भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना चाहिए। बहुत अच्छा है, दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन सिर्फ वोट जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये एक महीने का समय, ये त्योहार है, लोगों का मन भी जीतना है। और मैं 5 साल, आपने मैं 17वां सांसद हूँ, कभी 16वें सांसद को इतना घूमते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 17वां सांसद आज फांसी देवा के गांव गांव में बॉर्डर एरिया में कितनी बार आया हूँ, चाहे नक्सलबाड़ी हो, पानी टैंकी हो, खोरीबारी हो, और बागडोगरा हो, प्लेन हो, पहाड़ हो, बॉर्डर एरिया, सब जगह मैं घूमता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। उन्नयन, अरे भैया टीएमसी को तो कोई हक ही नहीं है उन्नयन की बात करने का, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। मैं गिनाऊं, आप थक जाओगे, बागडोगरा एयरपोर्ट 3000 करोड़, पैसा कौन लेके आया? आपका सांसद, आप समझ रहे हैं। आप ये देखो, गोरखपुर यूपी से लेकर के सिलीगुड़ी तक, यही फांसी देवा, ये सब इलाका होते हैं, 6 लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार में और यूपी में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, यहाँ पे चुनाव के बाद होगा। ये 30,000 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पानी के लिए अभी बताया 3500 करोड़ रुपया, टीएमसी बता दे 1 रुपया दिया हो तो। इतना ही नहीं, आपको पता है सिलीगुड़ी में कितना जाम रहता था, बालासन से सेवक, आप सब देखा है ना रोड, कितना बड़ा भव्य रोड बन रहा है, और सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो रिंग रोड बनेगा, वो रिंग रोड ऐसा है, आप ओदलाबारी से लेकर के सेवक से लेकर के सुकना पानी घट्टा होते हुए, पानी टैंकी नक्सलबाड़ी से होते हुए, और पूरा खोरीबारी और पूरा ये फांसी देवा घोषपुकुर होते हुए। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहां आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्फीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया, और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333-9970.